में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल रसमलाई। ये नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल स्वीट्स है, इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया है। अब हम इसमें एक कप चीनी ऐड करेंगे और जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे और चाशनी को पानी में अच्छी तरह से घुलने तक पकने देंगे। हमें चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम 2 से 3 छोटी इलायची कूटकर चाशनी में डालेंगे, जिससे कि चाशनी में इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार हो रही है तब तक हम मूंग दाल बड़ों की तैयारी कर लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए हमने ये 1/2 कप धुली हुई मूंग दाल को 2 से 3 बार धोकर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा हुआ था। अब हम दाल को पीसेंगे। उसके लिए हम इस दाल को एक जार में डालेंगे और इसको बारीक पीसेंगे। चलिए हम दाल को पीस लेते हैं। हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए दाल हमारी पीस करके तैयार है। अब हम इसमें 100 ग्राम पनीर तोड़कर डालेंगे और दोबारा से दाल का फाइन पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। देखिए दाल का फाइन पेस्ट बन करके तैयार है। मूंग दाल बड़ों के लिए हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए। अब हम मूंग दाल बड़े बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। देखिए हमने गैस पर ऑयल गरम करने रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी भी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार है और यह हाथों से आसानी से चिपक रही है। हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए, बस शहद की तरह चिपकने लगे। चलिए अब हम मूंग दाल बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि हमारा ऑयल गरम हो चुका है या नहीं। उसके लिए हम दाल का थोड़ा सा बैटर कढ़ाई में डालेंगे। देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। बैटर हमारा डालने पर फूल कर ऊपर आ रहा है। अब हम एक एक करके मूंग दाल बड़े कढ़ाई में डालेंगे फ्राई होने के लिए और इन्हें हल्का मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेकेंगे। देखिए हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। इसी तरह से आप इन्हें उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक सेकिएगा। देखिए हमारे बड़े बिल्कुल बन सिक करके तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बचे हुए बैटर के भी बड़े डालेंगे और इन्हें भी दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब हम इन्हें चाशनी में डाल सकते हैं। गाइस मूंग दाल के रसवड़े बनकर के तैयार हैं। इन्हें 1/2 घंटे के लिए चाशनी में पड़े रहने दें, ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। 1/2 घंटे के बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।